अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर है इंटरटेनमेंट गुरु। आज जिस मौजू पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वैसे तो टाइटल पिक देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा। नाजरीन कराम, वीडियो बनाने का मकसद फेम या लाइक नहीं, लेकिन जो चीज इस्लाम के खिलाफ है और हमारे माशरे की नौजवान नस्ल को खराब कर रही है, उसके खिलाफ मैं जरूर आवाज उठाऊंगा। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की जिस अदाकार के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उसका नाम है महविश हयात, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्ट्रेस है और इसने फिल्मों और ड्रामों में भी काम किया है। अभी रिसेंटली इसने लंदन नहीं जाऊंगा फिल्म में हीरोइन का किरदार अदा किया था और उसके प्रीमियर के मौके पर महविश हयात ने इतनी बेहूदा और बोल्ड ड्रेसिंग की है कि आप खुद देख सकते हैं। पहले सिर्फ यही कहा जाता था कि इंडियन एक्ट्रेस की ड्रेसिंग सिर्फ बोल्ड होती है, लेकिन क्या इन पाकिस्तानी एक्ट्रेस को देखकर आपको लगता है कि इनमें और इंडियन अदाकारों में कोई फर्क रह गया है? ये सब फेम और रेटिंग के चक्कर में भूल चुके हैं कि ये एक इस्लामी ममालिक में पैदा हुए हैं और ये सब चीज़ें इन्हें जेब नहीं देती। नाजरीन ग्राम, दूसरी जगह महविश हयात ने अपनी नाजेबा तस्वीर डालकर कहा है कि मैं 34 की हो गई हूँ और अभी मुझे निकाह की ज़रूरत नहीं, बल्कि निकाह तो सुन्नत है जो कि मियां बीवी में ताल्लुक कायम करता है। आखिर महविश हयात अपनी बेहुदा और नाजेबा तस्वीर शेयर करके क्या साबित करना चाहती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आने वाली नौजवान नस्लों को बिगाड़ा जा रहा है और एक्ट्रेस को प्रमोट किया जा रहा है। इन्हें ना तो खुद की गैरत का सवाल है और ना वालदैन की इज्जत का। मैं कोई तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। ड्रामों में तो आप इन्हें देखते ही हैं, लेकिन इंडस्ट्री या प्रीमियर के मौके पर आप इन्हें देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनमें और इंडियन एक्ट्रेस में अब कोई फ़र्क नहीं रह गया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सबा कमर जमान की, तो दोस्तों इनकी ड्रेसिंग भी इतनी ही बोल्ड और बेहुदा किस्म की है जो कि आप खुद ही देख सकते हैं। ये सरासर शर्म की बात है। नाजरीन, अच्छा लिबास अच्छे इंसान की निशानी होती है, लेकिन महविश हयात और सबा कमर तो बेहूदगी पर उतर आए हैं। बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को इन शोबिस से दूर रखें, क्योंकि इंसान जो देखता है वही अपने ऊपर अडोप्ट करता है। बाकी सब को हिदायत देने वाली ऊपर वाली ज़ात है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया।